उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में एक बच्ची को घर से उठाकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना MR5 रोड पर कृष्ण विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। यहां परिवारजन घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात बदमाश घर में घुसा और 4 साल की एक बच्ची को उठाकर ले गया। घटना रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। कुछ ही देर में परिजन जागे और जब बच्ची पलंग पर नहीं मिली तो शोर मचाया। तत्काल क्षेत्रवासी भी खोजबीन में जुट गए। इसी दौरान बदमाश नाले के पास बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। घटना का CCTV भी सामने आया है, जिसमें बदमाश बच्ची को गोद में लेते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वो अभी 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 अज्ञात है, पता नहीं पड़ा है। हम रात को 2 बजे सोए थे। वो रात को सोने के बाद रात को 2:30 या 3 के बीच में वो कोई घर में घुसा था पीछे रास्ते से, वो बच्ची को उठा के ले गया था। CCTV सामने है, क्या कुछ दिख रहा है सर? अभी तो कह नहीं सकते, सेगा साफ नहीं है और आगे चल रही कार्रवाई। कैसे आपको बच्ची मिली फिर, किस तरीके ढूंढा वो? हम ढूंढ रहे थे, मेरी वाइफ का पाकि पका मोहल्ला था, वो फिर उनको ढूंढा तो मतलब पीछे नाला है उधर मिली ना, तो भग गया। कितनी दूर लगभग मिली बच्ची? मत 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट का रास्ता नाला है। 8 फीट लंबे। कहाँ रहते हैं आप, क्या है बच्ची का नाम? कृष्ण विहार कॉलोनी MR5 रोड। अपने मेरा नाम सोनू चंद्रावत है, बच्ची का नाम प्राची चंद्रावत है। कहाँ आपने शिकायत की, इसलिए एफ आई आर की? चिमनगंज थाना में कर दी। आपका नाम बताइए। सोनू चंद्रावत।